हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल माय मैजिक एप्रन। मेरा नाम है मनमीत। सबसे पहली बात, थैंक यू, बहुत ज़्यादा थैंक यू, बिकॉज नाउ वी आर अ फैमिली ऑफ 500 प्लस सब्सक्राइबर्स एंड इट कुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट यू। सो थैंक यू वंस अगेन अपना सपोर्ट दिखाने के लिए। सो आज जो हम बनाएंगे वो है वेज मंचूरियन। नाउ इसको चाइना से ज़्यादा हम इंडियंस पसंद करते हैं बिकॉज इट्स लाइक अ स्टेपल फूड ऑफ आवर स्ट्रीट फूड। सो इसको बहुत तरीके से बनाया जाता है और डिफरेंट स्टाइल से बनाया जाता है एंड डिपेंड करता है कि आपको कैसी ग्रेवी पसंद है। किसी को लाइट पसंद है, किसी को डार्क पसंद है, किसी को नॉर्मल सी पसंद है। सो चलिए शुरू करते हैं एंड पकाते हैं। सो वेज मंचूरियन बनाने के लिए हमें चाहिए पत्ता गोभी, अदरक, लहसुन, अनियन, स्प्रिंग अनियन, मैदा, कैरेट एंड कैप्सिकम। नाउ इन सबको हमने काट लेना है एंड गोभी को आप ग्रेट कर लेना। आप काटने जाओगे बहुत टाइम लगता है, सो इट्स वेरी इजी टू ग्रेट इट। और अगर आपके पास कोई चॉपर है तो यूज़ दैट, इससे बहुत ज़्यादा टाइम बचता है। सो हम सबको ऐड कर लेंगे। कैरेट है इसमें, रेड अनियन है और कैबेज है और हमारा जिंजर था, ग्रेटेड जिंजर। और हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे और थोड़ा सा ब्लैक पेपर। एंड इसको मिक्स करने के लिए हम कोई पानी का यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज ऑलरेडी ये जो भी सारी वेजिटेबल्स हैं इसमें बहुत ज़्यादा पानी है। सो वी आर यूजिंग 2 tablespoons ऑफ कॉर्नफ्लावर, उसको कॉर्न स्टार्च भी बोलते हैं, एंड 2 tablespoons ऑफ रेगुलर फ्लावर दैट इज मैदा। सो इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे ना। अभी आपको ये ड्राई ड्राई लग रहा होगा मगर इसको जब आप प्रेशर दे के मिक्स करोगे तब ये अपनी शेप लेने लग जाएगा। तो एक बार ये मिक्स हो जाएगा सो वी विल टेक स्मॉल पोर्शन, एक छोटा सा पोर्शन लेके उसको एकदम लाइट हाथों से हमें बॉल बनाना है बिकॉज अगर आप टाइट बॉल्स बनाओगे और उसको फिर फ्राई करोगे तो वो अंदर से कच्चा रह सकता है। सो बहुत सॉफ्ट हाथों से हमें सारे बॉल्स बनाने हैं अपने वेजिटेबल्स के। एंड यू कैन लाइक इंडिया में बोलते हैं कि मंचूरियन बॉल्स हैं या वैसे हैं। सो विल जस्ट मेक ऑल द बॉल्स एंड विथ सॉफ्ट हैंड। एंड देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। एंड इसको हम फ्राई करेंगे ना। फ्राई करने के लिए हमें चाहिए कढ़ाई, उसके अंदर चाहिए हमें ऑयल। ना ऑयल हमेशा कोई भी हम जैसे कचौरी बनाते हैं, समोसे बनाते हैं या कोफ्ते बनाते हैं सो ऑलवेज मीडियम हॉट ऑयल में ही वो बनता है बिकॉज जैसे समोसे और कचौरी होगी उसमें क्रिस्पीनेस आती है और जैसे कोफ्ते वगैरह होते हैं ये अंदर तक पकने चाहिए। सो दैट्स द रीज़न इसको मीडियम हॉट ऑयल में ही पकाइए। और ऐसे डालते ही आप इसको कड़छी मत मार देना, नहीं तो फिर वेज मंचूरियन की जगह आपका हलवा बन जाएगा या वेज हलवा बन जाएगा या मंचूरियन हलवा बन जाएगा। सो एक बार इसको पक जाए और इसको आप स्ट्रेन कर लीजिए एंड बाकी का जो हमारा बॉल्स बचे हैं उसको भी हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। एंड वाइल बॉल्स आर गेटिंग फ्राइड हम एक स्लरी बना लेंगे हमारी ग्रेवी की। इसमें मैंने डाला है 1 tablespoon ऑफ कॉर्नफ्लावर एंड इसको मिक्स करके हम रख लेते हैं। सो बॉल्स हो गए तैयार और अब हमें चाहिए एक कढ़ाई और एक ये मैंने लोहे की कढ़ाई ली है। प्रेफरेबली लोहे का वॉक यूज़ होता है और हाई फ्लेम पे बनता है तो इसमें मैंने ऐड किया है ऑयल और फिर गार्लिक। नाउ बहुत लोग करते हैं कि बाद में ये सारी चीज़ें डालते हैं लाइक कैप्सिकम और अनियन जो मैंने डाइस कर रखा था, बट I have done it because I wanted to saute it first so that इसकी क्रंचीनेस भी रह जाए और ये अच्छे से पक भी जाए। अब हम इसमें अपने सॉसेज ऐड कर लेंगे, दैट इज़ चिली सॉस, रेड चिली सॉस भी है और नॉर्मल केचप भी है ना। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सारपन लेके आती हैं सो इसको बैलेंस करने के लिए हम थोड़ी सी इसमें चीनी डालेंगे और चीनी डाल के इसको थोड़ा सा बैलेंस करेंगे। और चीनी डालने के बाद फिर हम इसमें सोया सॉस भी डालूंगा ना। सोया सॉस मैंने जो यूज़ किया था यहाँ पे वो था 1/2 tablespoon बिकॉज़
मुझे मंचूरियन बहुत ज़्यादा डार्क नहीं अच्छा लगता। अगर आपको डार्क बहुत अच्छा लगता है तो आप 1 टेबल स्पून डाल लो। और जो वेज मंचूरियन मैंने बनाई थी, ये मैंने मैंने बनाई थी राइस के साथ खाने के लिए, सो आई हैव केप्ट इट अ बिट रनी। मगर रनी रखने का भी एक फ़ायदा होता है, क्योंकि जब हम इसमें कॉर्नफ्लावर की स्लरी डालते हैं तो ये ओवर द टाइम थिकन होती रहती है, तो बाय द टाइम आप इसको सर्व करोगे ये अपना शेप पे आ जाती है। सो इसमें मैंने सोया सॉस ऐड कर दिया था, हल्का सा नमक ऐड कर दिया था। नाउ इस टाइम पे आपको एक और चीज़ ऐड करनी है, दैट इज़ रेड चिली पाउडर। या अगर रेड चिली पाउडर आप नहीं प्रेफर करते हो तो आप ब्लैक पेपर पाउडर आप यूज़ कर लो, क्योंकि सारनेस हो गई, सॉल्टीनेस हो गया, बट थोड़ा सा स्पाइसीनेस आना चाहिए, सो यूज़ दैट। और एल्स आप इसमें ग्रीन चिलीज यूज़ कर लो। और आप देख रहे हो मैं स्लरी डाल रहा हूँ। नाउ आप स्लोली एंड ग्रेजुअली ये डालिएगा, ताकि आपको पता रहे कि आपको कितना थिक चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा थिक चाहिए तो यूज़ 2 टेबल स्पून ऑफ कॉर्नफ्लावर एंड पुट इट इन, एंड इट विल टेक अराउंड 3 to 5 मिनट्स, तो आपकी ग्रेवी जो है वो पूरी गाढ़ी हो जाएगी। नाउ अभी इस पोजिशन पे जब ग्रेवी आ गई है एक बॉयल होने के बाद, सो अब हम इसमें क्या करेंगे, जो बॉल्स हैं मंचूरियन बॉल्स वो ऐड कर देंगे। नाउ द रीज़न इज़ कि अभी अगर ऐड करूँगा एंड देन आई विल गिव इट अराउंड 3 to 5 मिनट्स, क्योंकि बॉल्स सारे ग्रेवी को यू नो अब्जॉर्ब कर लेंगे एंड वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और वेलवेटी हो जाएंगे, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा खाने में। सो वंस दिस इज़ डन, इसको 3 to 5 मिनट्स दें एंड दिस इज़ डन। नाउ दिस इज़ एज सिंपल एज इट कैन गेट टू मेक वेज मंचूरियन एट होम। नाउ ये बहुत ईजी मेथड है, ट्राई इट एट होम एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू हिट द लाइक बटन, ऑलवेज हिट द लाइक बटन एंड लुक एट दिस ब्यूटी। नाउ ऊपर से थोड़ा आप स्प्रिंग अनियन डाल लें, वो और अच्छा लगता है। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब एज वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।